हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। इसके बेसिस पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको एक बार देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन हैज टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। He decides to get information from the internet. He downloads 3 web pages, web page 1, web page 2 and web page 3, containing the following information on the given topic. तो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए वो 3 pages डाउनलोड करता है, web page 1, web page 2 और web page 3। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनके आगे लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इन्हीं 3 स्टेप्स के बेसिस पर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो स्टेप 1 में क्या दिया है, वो ही रीड्स अ पैराग्राफ फ्रॉम वेब पेज 1 एंड रीफ्रेजेस इट। क्या करता है, रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ उसने पढ़ा उसके जैसा वो दूसरा पैराग्राफ तैयार करता है, पर कुछ अपने शब्दों को मिलाकर, थोड़ा बहुत चेंजेस करके, इन हिज ओन वर्ड्स। He finally pasted the rephrased paragraph in his project. फिर उसने क्या किया, जो पैराग्राफ उसने तैयार किया किसी और के पैराग्राफ को पढ़ करके, वो प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया। ये था स्टेप 1। स्टेप 2, He downloaded 3 images from web page 2. तो web page 2 से उसने 3 images डाउनलोड करी। फिर क्या किया, He made a collage. तीनों इमेजेस को जोड़ करके उसने एक कोलाज तैयार किया, उस कोलाज को उसने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया। फिर स्टेप 3 देखते हैं, ही ऑल्सो डाउनलोडेड एन आइकन फ्रॉम वेब पेज 3। थर्ड पेज से उसने आइकन डाउनलोड किया, उसको भी अपने प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज में लगा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्टेप 1, एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये जो स्टेप 1 था ये किसका एग्जाम्पल था, ये तो बहुत ही क्लियर है क्योंकि यहाँ लिखा है रीफ्रेज्ड और इधर चारों ऑप्शंस में पैराफ्रेजिंग मैच हो रहा है, यही इसका आंसर है, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो पैराफ्रेजिंग का यही मतलब होता है कि किसी और के पैराग्राफ को अपने शब्दों में लिख करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके फाइनलाइज करना। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या लिखा है, इट इज एन एक्ट ऑफ। स्टेप 2 में क्या किया था उसने, उसने 3 इमेजेस डाउनलोड करी थी, उसका एक कोलाज बना दिया, कोलाज बना करके उसने लगा दिया जैसे कि वो उसकी अपनी चीज है, जबकि इमेजेस कहीं और से उसने डाउनलोड करी थी। दिस इज नोन एज प्लैगियरिज्म, इसको बोलते हैं प्लैगियरिज्म, कॉपी करके किसी चीज को उसको अपना बनाना। स्टेप 3, इट इज एन एक्ट ऑफ। अब स्टेप 3 में क्या किया था उसने, एक आइकन किसी का यूज किया, आइकन जैसे किसी कंपनी का लोगो, तो वो हमेशा कॉपीराइटेड होता है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता, पर ये जो पर्सन है इसने वेब पेज 3 से आइकन को डाउनलोड किया और फ्रंट पेज पे पेस्ट कर दिया, तो ये भी गलत है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको सही ऑप्शन यानी सही आंसर इजीली मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 नंबर का क्वेश्चन फुल मार्क्स दिलाता है आपको। फोर्थ देखिए, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस इमेजेस एंड फाइल्स फ्रॉम अ वेब सर्वर टू लोकल कंप्यूटर। आप इंटरनेट पर जब भी काम करते हैं, किसी की वेबसाइट देखते हैं, तो जो दिखाई दे रहा है वो वेब सर्वर से आपके कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है। आपने किसी चीज़ को राइट क्लिक करके कॉपी किया या डाउनलोड बटन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लिया, तो क्या हुआ, वो चीज़ आपके लोकल कंप्यूटर में सेव हो गई। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। देखो कितना आसान था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कूल ऑफर्स वाईफाई टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th फॉर कम्युनिकेशन। द नेटवर्क सिक्योरिटी स्टाफ of the school is having a registered URL schoolwifi.edu। ये एक registered URL है स्कूल का। किसी एक दिन अचानक क्या हुआ,
ईमेल्स वर रिसीव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को ईमेल आने लग गए रिगार्डिंग एक्सपायरी ऑफ देयर पासवर्ड। ऐसा कुछ लिखा था कि उनके पासवर्ड एक्सपायर हो गए हैं और आप अपने पासवर्ड को जल्दी से रीन्यू कराइए। इंस्ट्रक्शंस वर आल्सो गिवन टू रीन्यू देयर पासवर्ड विद इन 24 आवर्स बाय क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर यूआरएल प्रोवाइडेड। तो एक लिंक भी दे रखा था कि इस लिंक पर क्लिक करिए पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो ये चीज तो गलत थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस स्टडी आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज इट। देखो साइबर क्राइम तो है, अब ये किस टाइप का साइबर क्राइम है, तो आपको ये आपको पढ़ करके ये लग रहा होगा स्टूडेंट्स को जाल में फंसाया जा रहा है, एक लिंक भेज करके उन सभी को बोला जा रहा है कि आप पासवर्ड को चेंज करो। दिस इज कॉल्ड फिशिंग, इसको बोलते हैं फिशिंग। यू आर एल स्टैंड फॉर, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज, ऐसा ईमेल जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स ईमेल्स में आ जाते हैं और आते रहते हैं कंटिन्यूसली, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पैम मेल या सिंपली स्पैम। वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। तो कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। आइडियली व्हाट कैरेक्टर्स शुड बी यूज इन पासवर्ड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, अगर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है तो क्या क्या यूज करना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं, लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, मिक्स्ड केस यानी अपर केस और लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सभी का यूज करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा, इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, पर 5 मार्क्स आपके पूरे हैं अगर आप ध्यान से इसको करेंगे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।